किसी भी वक्त चीन कर सकता है हमला। क्या तीसरे युद्ध की हो चुकी है शुरुआत? इस युद्ध में भारत तबाह होगा या चीन? चारों तरफा घिरा चीन अब बौखला गया है और वो कभी भी जंग की शुरुआत कर सकता है, और देखते ही देखते ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी। आखिर अमेरिका की बजाय भारत पर हमला क्यों करना चाहता है चीन? लद्दाख पर आखिर क्यों टिकी है चीन की नजर? क्यों भारत बन गया है चीन के लिए सरदर्द? ऐसे पांच कारण जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे चीन की हर चाल। पहला कारण, भारत ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान परस्त आतंकियों का लगभग सफाया कर दिया है और गुलाम कश्मीर को हासिल करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। वैसे तो यह पाकिस्तान और चीन दोनों की परेशानी का बड़ा कारण है, लेकिन यदि भारत गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से छुड़ाकर अपने साथ शामिल कर लेता है तो पाकिस्तान से भी ज्यादा दिक्कत चीन को होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके का अहम हिस्सा अवैध रूप से चीन को सौंप रखा है। पीओके में गिलगित बल्टिस्तान सहित बड़े हिस्से का नियंत्रण काफी हद तक चीन अधिकारियों के हाथों में है। चीन को इस इलाके से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, बल्कि उसके लिए इसका सामरिक महत्व है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के जरिए पेट्रोल हासिल करने की योजना बनाई है, जिसका रास्ता पीओके से गुजरता है। चीन की यहाँ महत्व आकांक्षी परियोजना जो सीपीईसी और ओबीओआर यानी कि वन बेल्ट वन रोड कहलाती है, 3000 किलोमीटर की इस परियोजना पर चीन 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर चुका है। अगर भारत पीओके पर कब्जा कर लेता है तो चीन का अभी तक का किया हुआ खर्च बर्बाद हो जाएगा। कारण नंबर दो, भारत ने पिछले दिनों चीन से जुड़ी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर सड़क निर्माण के साथ ही भारतीय सेना ने यहां पर बंकर, बैरक और किलेबंदी का काम लगभग पूरा कर लिया है। चीन के लिए यह भारी चिंता का विषय है। इसके अलावा भारत नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर पिथौरागढ़ के धारचूला से लिपुलेख तक बनी सड़क भी चीन की आंखों में खटक रही है। इसलिए भी चीन भारत को संघर्ष में उलझाकर उसकी सड़क परियोजना को तबाह करने की मंशा रखता है। कारण नंबर तीन, ये सबसे अहम कारण है। चीन ने इस बार भारत से संघर्ष की शुरुआत लद्दाख से की है। पहले चीन की निगाहें अरुणाचल प्रदेश की तरफ होती थीं, लेकिन इस बार चीन ने लद्दाख को झगड़ा बढ़ाने के लिए चुना है, क्योंकि लद्दाख की पहाड़ियों में यूरेनियम और सोने के अकूत भंडार छिपे हैं। लद्दाख के कई इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इससे न केवल परमाणु बिजली बनाई जा सकती है, बल्कि परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में ये लिखा भी है कि अमेरिका के साथ जंग में उतरने से पहले चीन को अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए चीन को ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम की जरूरत पड़ने वाली है। साल 2007 में जर्मनी की एक प्रयोगशाला में लद्दाख चट्टानों के नमूनों की जांच की गई तो पता चला कि यहां पर यूरेनियम मौजूद है, जो कि किसी भी दूसरे यूरेनियम खदान से बहुत ज्यादा है। ये चीन की लालच का बड़ा कारण है। कारण नंबर चार, चीन में मौत से तुंग के बाद शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा अधिकारों से सुसज्जित किया गया है। पूरे चीन को उम्मीद है कि शी जिनपिंग चीन को दुनिया के शिखर पर लेकर जाएंगे। इसलिए चीन की पोलियत ब्यूरो ने शी जिनपिंग को असीमित अधिकारों के साथ आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार दिया है। अमेरिका को नीचा दिखाना और सदियों पुराने सिल्क रूट को जिंदा करके चीन के लिए पेट्रोलियम हासिल करने का रास्ता तैयार करना चीन के राष्ट्रपति के लिए इज्जत का सवाल है। चीन इस परियोजना पर 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम खर्च कर चुका है। भारत के विरोध से उसकी ये पूरी पूंजी नष्ट हो जाएगी और फिर चीन दिवालिया हो जाएगा। इतना बड़ा आर्थिक नुकसान चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वह युद्ध करने से जरा भी संकोच नहीं करेगा। कारण नंबर पांच, कोरोना संक्रमण फैलने का दोषी पूरी दुनिया ने चीन को माना है। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां चीन छोड़कर भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं। चीन इसे अपने अस्तित्व के संकट के तौर पर देख रहा है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में चीन से भारत आने की शुरुआत जर्मनी की फुटवेयर कंपनी कासा एवर्ज गंभ के साथ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो पार्ट्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स सहित कई क्षेत्रों में 550 प्रोडक्ट के लिए भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार के संपर्क में है।
कई कंपनियों ने चीन छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की खबर आने के बाद से चीन काफी भड़क गया है। ये भी एक बड़ी वजह है कि चीन भारत को संघर्ष में उलझाकर अपने यहाँ के उद्योगों को भारत जाने से रोकना चाहता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर चीन क्या चाहता है। अगर आप भी स्वदेशी अपनाएंगे, चीन के सामानों का बहिष्कार करेंगे, तो शायद चीन के मंसूबों को हम कहीं ना कहीं कमजोर कर सके। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को हर एक भारतीय तक पहुंचाना है, जिससे भारत की शक्ति का अंदाजा चीन को लग सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।